Look left, look right, and I come with a hook right. Woo. Hook right, hook right. This what the angles look like. Way up, stood high, taking the view when it look right. And oh, it's the good life, whipping the whip in the sauce when I cook like. Woo. Look left, look right, yeah, yeah. Come with a hook right. Hook right, hook right, hook right. Make all the mind them look twice. I'm way up, stood high, but I've been in the field like Shug Knight. And they know this took time. This what a legacy look like. This what a come with a hook right. And I come with a hook right. का इंजन देखने को मिलता है जो हमें हिमालयन में देखने को मिलता है वही यहाँ पे देखने को मिलता है। ओके, जो मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करता है वो प्रोड्यूस करता है अराउंड 24.6 bhp का 6500 rpm पे। ओके, और जो मैक्सिमम जो टॉर्क जनरेट करता है वो है 32 Nm का टॉर्क 4500 rpm पे। ओके, तो यहाँ पे जो है प्रीवियस जन जो हमारी मतलब कि प्रीवियस जन तो नहीं कहेंगे जो हिमालयन में जो इंजन मिलता है यहाँ पे वही हमें देखने को मिलता है 411 cc। अब जो है स्टार्टअप करते हैं इस बाइक के फ्रंट लुक के साथ। ओके, जैसे फ्रंट लुक में आप देखोगे तो पूरी जो हेडलैम्प की असेंबली है वो चेंज कर दी है। यहाँ पे जो है सिग्नेचर कास्ट मेटल यूज किया है जो काउल है हेडलैम्प का। ओके, और हेडलैम्प वही यूज किया है। और दूसरा हमारा यहाँ पे चेंज है वो है टायर साइज। ओके, टायर साइज जैसे देखोगे तो यहाँ पे 190/19 का और हिमालयन पे यहाँ पे हमें 21 इंच का देखने को मिलता है, इसलिए यहाँ पे 2 इंच कम हो चुके हैं, इसलिए बाइक की हाइट थोड़ी कम हो चुकी है। दूसरा यहाँ पे चेंजेस की बात करूँ तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देख के आपको ऐसा लग रहा है कि ये भी देखा देखा लग रहा है। ओके, यहाँ पे जो है मीटियोर 350 का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर यूज किया है। जैसे राइडर पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे आप तो स्क्रैम्बलर में ज्यादातर जो है सिंगल मतलब एक ही मीटर यूज किया है। और जैसे आपको मे की टी और साफ बनाओगे तो यहाँ पे आपको जो है ट्रिपल नेविगेशन का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। ओके, ये ऑन करके भी दिखा देता हूँ, हमारा मीटियोर 350 वाला ही देखने को मिलेगा। थोड़े बहुत चेंजेस किए हैं यहाँ पे ब्लैकआउट थीम में ब्लैक एंड व्हाइट वाली। ओके, और मेक इट योर्स और आप एक्सरसाइज में जो है इससे ट्रिपल नेविगेशन भी आप जो है इंस्टॉल करवा सकते हो। ओके, और हेडलैम्प की बात करो तो हेडलैम्प में यहाँ पे हमें जो है हेलोजन बल्ब देखने को मिलेगा, यहाँ पे कोई LED प्रोवाइड नहीं किया है। ओके, हेडलैम्प वही है हिमालयन वाला ही, यहाँ पे हमें जो है हेडलैम्प देखने को मिल जाएगा। ओके, और इंडिकेटर भी हजार्ड लाइट का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा और इंडिकेटर में आपको जो है हेलोजन का ही ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो अब बात कर लेते हैं इस बाइक के साइड लुक के बारे में। यहाँ पे चेंजेस की बात करो तो टैंक हमें वही देखने को मिलता है जो हिमालयन में देखने को मिलता है, बट यहाँ पे चेंजेस जो है अर्बन बैच प्लेट का किया है। ओके, विद ब्रांडिंग रॉयल एनफील्ड। और दूसरा चेंज यहाँ पे ये किया है जो आप साइड प्लेट देख रहे हो उसमें जो है स्क्रैम 411 की आपको बैजिंग देखने को मिल जाती है और यहाँ पे 2 जो स्लॉट्स है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे जैसे फोर चेंजेस की बात करो तो हिमालयन में यहाँ पे जो आपको स्प्लिट सीट का ऑप्शन देखने को मिलता है, बट यहाँ पे स्क्रैम 11 में आपको जो है आपको सिंगल सीट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। ओके, और सीटिंग वाइज कंफर्टेबल है इसलिए लॉन्ग राइड्स में कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो अब बात कर लेते हैं बाइक के रियर लुक के बारे में। रियर लुक आप पहले तो चेकआउट कर लो, रियर लुक पूरा चेंज कर दिया है। हमारी टेल लाइट वही यूज़ की है जो हमें हिमालयन में देखने को मिलती है और जो पीछे का पैनल है वो यहाँ पे आपको फाइबर मटेरियल का देखने को मिलेगा और इंडिकेटर वही हमें हेलोजन देखने को मिलता है और यहाँ पे जो है आपको नंबर प्लेट की प्लेसमेंट देखने को मिलेगी और यहाँ पे आपको नंबर प्लेट की लाइट देखने को मिलेगा और ये रहा रिफ्लेक्टर्स। ओके, और पूरा जो पैनल जो है कवर अप किया है। यहाँ पे आपको जो है माइंड में एक ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि रॉयल इनफील्ड ने यहाँ पे क्यों लॉन्च किया स्क्रैम 411 को। ओके, तो यहाँ पे ये एक आंसर आपको बता देता हूँ कि हिमालयन को जैसे आप देखोगे तो प्रॉपर ऑफ रोडिंग वाली आपको जो है फील आएगी और वो लुक्स वाइज भी प्रॉपर ऑफ रोडिंग है और वो प्रॉपर ऑफ रोडिंग के लिए यूज किया जाता है। बट जैसे आप देखोगे तो कॉलेज ईयर और सिटी राइड्स और उसके लिए जो है स्क्रैम 411 जो है काफी बेहतर रहेगा। मतलब आप सिटी राइड्स भी कर सकते हो, साथ साथ में आपको ऑकेजनली कभी जो है ऑफ रोडिंग करनी है तो वो भी इस पे इजीली कर सकते हो। ओके, क्योंकि यहाँ पे पूरी बेस्ड है हमारी हिमालयन के ऊपर ये बाइक।
यहाँ पे आपको जो है स्क्रैप 411 में आपको 7 कलर ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, और जो मेरा राइट साइड देख रहे हो ये हमारा फ्लेम व्हाइट कलर, और जो मेरा लेफ्ट साइड देख रहे हो ये हमारा सिल्वर स्क्रीन। यहाँ पे आपको जो है फ्रंट और रियर में जो है डिस्क ब्रेक यूज किया हुआ है ओके विथ ABS, और जैसे बात करो फ्रंट और रियर में जो है सीएट का टायर यूज किया हुआ है, और रियर टायर साइज की बात करो तो 120/90/17 जो हमें हिमालयन में देखने को मिलता है वही यहाँ पे है ओके। दोनों वेरियंट्स में रियर टायर सेम है बट फ्रंट टायर में जो है 2 इंच कम कर दिया। यहाँ पे आपको जो है हिमालयन का ही सस्पेंशन सेटअप देखने को मिलेगा, फ्रंट टेलीस्कोपिक और रियर मोनोशॉक। वीडियो एंड करने का टाइम आ चुका है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक के बटन पे आपकी बाइक की चाबी फेंक के मारिए, चैनल को जो है आपको सब्सक्राइब कर देना है, सब्सक्राइब करने से और मोटिवेशन मिलेगा और ऐसी वीडियोस हम लाते रहेंगे। सो टिल देन कीप सपोर्टिंग कीप लविंग। चले तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी, बाय बाय।